हमारा प्रश्न है, सुदर्शन झील के निर्माण और महत्व का वर्णन करें या सुदर्शन झील पर एक टिप्पणी लिखें। बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है, आइए इसका आंसर देखते हैं। सुदर्शन झील सौराष्ट्र अथवा गुजरात में स्थित एक कृत्रिम जलाशय था। सुदर्शन झील का अगर स्थिति देखें तो यह गुजरात या सौराष्ट्र राज्य में स्थित था और यह एक कृत्रिम जलाशय यानी मनुष्यों के द्वारा निर्मित एक झील था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत की एक पाषाण अभिलेख गिरनार अभिलेख से होता है और सुदर्शन झील के विषय में विस्तृत जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि एक पाषाण अभिलेख है। पाषाण अर्थात पत्थर पर खुदे गए अभिलेख हैं। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था और इस अभिलेख को उत्कीर्ण करने वाला शासक का नाम है रुद्रदामन प्रथम, जो शकों का सबसे प्रतापी राजा था। और हम बता दें कि भारत में सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी करने वाला शासक यही था, अर्थात रुद्रदामन प्रथम ही था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के एक स्थानीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा किया गया, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में वहां का एक सूबेदार या प्रांतपति था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उसी ने इस झील का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए। तथा सम्राट अशोक के राज्यपाल तुषाप ने बाद में उसमें से नहरें निकाली और उनमें से नहरें निकालने का काम अशोक के राज्यपाल तुषाप के द्वारा किया गया, लेकिन एक भीषण तूफान अथवा अतिवृष्टि के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। लेकिन कालांतर में एक भयंकर तूफान आया या अतिवृष्टि हुई यानी ज्यादा बारिश हुआ, जिससे इस झील का जो बांध था या तटबंध था वह टूट गया और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शक शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने स्वयं के खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था, अर्थात टैक्स भी नहीं लिया था। झील का मतलब मरम्मत करने में कराने में जीर्णोद्वार में जो भी खर्च रुद्रदामन को लगा उसने जनता पर टैक्स भी नहीं लगाया। इसी पाषाण खंड पर यानी इसी अभिलेख पर एक और अभिलेख, लगभग वह अभिलेख पांचवी सदी का है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक जिसका नाम था स्कंद गुप्त ने एक बार फिर से इस झील की मरम्मत करवाई थी, यानी जब फिर से झील में मिट्टी भर गया उसके तटबंध टूट गए तो एक बार फिर से गुप्त काल में गुप्त वंश का एक शासक जिसका नाम था स्कंद गुप्त उसने फिर से इस झील अर्थात सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो उम्मीद है आप लोग को यह पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।